11th की केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है वो है मोल संकल्पना। और मोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो मोल क्या होता है? 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित, 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की क्या संख्या 1 मोल कहलाती है। जैसे कार्बन 12 क्या है कि कार्बन के जो कई रूप हैं, कार्बन कई समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। कार्बन 14 होता है, कार्बन 12, लेकिन हमें मानक में क्या लिया गया है? कार्बन 12। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? 1 मोल। वास्तव में मोल एक संख्या है। मोल क्या है? एक संख्या है जिसका मान क्या होता है? 1 मोल बराबर 6.022 × 10³³। तो कोई पूछे कि मोल क्या है तो आप क्या बताएंगे? मोल एक संख्या है जिसका मान क्या है? 6.022 × 10³³। जैसे हम दर्जन बोलते हैं तो दर्जन में 12, वैसे ही मोल का मतलब क्या हो गया? क्योंकि मोल शब्द आए तो क्या समझेंगे कि 1 मोल बराबर 6.022 × 10³³। ये कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये कुछ भी हो सकता है। इसी को हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, जिसको एन ए से दर्शाते हैं। एन नंबर और ए अवोगाद्रो। 1 मोल को हम क्या कहते हैं? अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो यदि 1 मोल बराबर 6.022 × 10³³ हो तो 2 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 12, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 12.044। अगर मान लीजिए आप कोई बोले